गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी नई रेसिपी चिकन बिरयानी। इसके लिए हमने फ्रेश आधा किलो चिकन लिया है, इसे हमने अच्छे से धो लिया है साफ पानी से, और हमने डबल चाबी का चावल लिया था तो एक से डेढ़ घंटा हमने पानी में भिगो लिया था। अब हम इसकी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने साबुत धनिया लिया है एक कटोरी, हमने सौंफ ली है, दो हमने काली इलायची ली है, दो हमने दालचीनी ली है, चार से पांच हरी इलायची ली है, चार से पांच लाल मिर्च ली है, दो से चार तेज पत्ता लिया है, एक कटी हुई प्याज ली है, लहसुन की कलियां ली हैं चार से पांच, और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। अब हम अपने अखनी बनाएंगे। हमने एक गिलास पानी में अपना चिकन डाल दिया है, ये देखिए इसमें हमने अपना चिकन डाल दिया है। अब वो जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सब हमने चिकन में डाल दिए हैं, और उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट इसकी अखनी बनाएंगे, ऐसे ही पकाएंगे। जो हमने अपनी अखनी बनने रखी थी वो अच्छे से बन गई है, और ये पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब हम इसको गोश्त को पानी में से अलग करेंगे। अब देखिए गाइस, जो हमने अखनी बनाई थी मसाले डाल के सारे, अब हमने उसे उसमें से अपना चिकन निकाल लिया है, और जो उस मसाले का पानी बन गया था वो मसाले अलग करके हमने ये पानी बना लिया है। अब हम अपने भगोने में एक से डेढ़ चम्मच रिफाइंड डालेंगे। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। पहले हम दो से तीन हमने प्याज ली थी, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम चार से पाँच मिनट तक हल्का लाल ब्राउन होने तक पकाएंगे। चार से पाँच मिनट तक हम इसे हल्का लाल होने तक पकाएंगे। अब देखिए गाइस, हमारी ये प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है, इसे हम थोड़ी सी निकाल लेंगे लास्ट में गार्निश करने के लिए। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम चार से पाँच हरी इलायची डालेंगे। अब हम इसमें अपने ये गरम मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें अपना चिकन डालेंगे जो हमने बॉयल करके रखा था। अब ऐसे धीरे धीरे हल्के हाथों से हल्की गैस पे हम ऐसे ही इसको दो से चार मिनट तक पकाएंगे। ये दो मिनट हो गया है, हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी दो से चार मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। हमारा अदरक लहसुन अच्छे से हमारे चिकन में मिल गया है। अब हम इसमें पाँच से छः टुकड़े किए हुए हरी मिर्च डालेंगे, और हमने अपने दो से तीन टुकड़े अचार के लिए हैं। इससे अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में भी चिकन टेस्टी लगता है। और अब हम इसमें एक कटोरी दही ऐड करेंगे और इसको एक से दो मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। अब हमने इसमें अपनी दही ऐड कर दी है, अब हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। देखिए गाइस, अब दही हमारी अच्छे से इसमें हमारे चिकन में मिल गई है। अब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह ऐसे ही हम इसमें अपने चिकन में मिला लेंगे। उसके बाद हमने जो बॉयल किया था चिकन, बॉयल करके जो पानी निकाला था वो इसमें अब डाल के हम उसको एक से दो मिनट तक उसको उबाल आने तक ही पकाएंगे। इसको दो से चार मिनट तक इसमें उबालने तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे, और
हमने अपनी अखनी में भी नमक डाला था, इसलिए हम यहाँ पे एक चम्मच ही नमक डालेंगे। अब देखिए गाइस, हमारा पानी जो हमने चिकन के साथ डाला था मसालों के साथ अच्छे से बॉयल हो गया है। हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें अपने चावल ऐड कर दिए और इसको हम ढक के 15 से। अब देखिए गाइस, मैंने आधा किलो चिकन लिया था, 1 किलो चावल लिए थे और उसमें मैंने 2 से 3 गिलास पानी के डाल दिए और थोड़ा पानी हमने जो चिकन उबाला था उसका डाला। तो इस पे इतना पानी ऊपर रहना चाहिए ताकि चावल अच्छे से हमारे डूब जाएं। अब इसको हम 20 से 25 मिनट हल्की गैस पर ऐसे ही पकाएंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। देखिए गाइस, ये चावल हमारे पूरी तरह से पक गए हैं, ये अच्छे से टूट रहे हैं और इसमें जो हमने गरम मसाला और कलर मिलाया था वो अच्छे से हमने चावलों में मिला लिया है। अब हम इसमें जो हमने लाल ब्राउन प्याज की थी शुरू में, उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे पकाने के लिए। और इसमें हम धनिया पत्ते के और पुदीने के पत्ते डाल देंगे। अब हम इसको खाने के लिए सर्व करेंगे। हमने ये सर्व कर दिया है। अब देखिए गाइस, हमारी चिकन बिरयानी तैयार हो गई है। आप इसको रायते के साथ, दही के चटनी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये चिकन बिरयानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी आगे की रेसिपी का